हे गाइस, मैं हूं शुभम और आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं कैनन ईओएस 1500D। ये एक बेस्ट बजट कैमरा है दोस्तों, जो बहुत ही बढ़िया कैमरा है और कूल फीचर्स के साथ आता है। तो चलिए गाइस, हम इसे अनबॉक्स करते हैं। गाइस, ये कैमरा मैंने ऑफलाइन मार्केट से परचेज किया है, तो मुझे कुछ वारंटी कार्ड के फॉर्मेलिटीज के लिए वहाँ पे अनबॉक्स करना पड़ा था, लेकिन मैं सीधा शॉप से लेके आया हूँ, तो मैं एक बार फिर से आपके सामने अनबॉक्स कर रहा हूँ ये कैमरा। तो चलिए गाइस, इसमें हम फर्स्ट फीचर्स देख लेते हैं। हमें इसमें 24.1 मेगापिक्सल का सीमॉस सेंसर मिलता है। उसके बाद गाइस, हमें ISO 6400 मिलता है, जो कि वीडियो पे भी और फोटोग्राफी में भी दोनों में मिलता है। उसके बाद हम इसमें फुल HD वीडियो 25 और 30 FPS पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसके बाद हमें गाइस यहाँ पे 3 फ्रेम्स पर सेकंड का फीचर मिलता है, जो कि मतलब ये कैमरा हमें 1 सेकंड में 3 बार फोटो कैप्चर करके देगा। उसके बाद यहाँ इसमें हमें वाईफाई और NFC मिलेगा। तो गाइज, ये होगी कुछ बॉक्स के ऊपर की डिटेल्स। तो चलिए गाइज, अब फटाफट हम इसे अनबॉक्स कर लेते हैं। अनबॉक्स करते ही गाइज, हमें ऊपर गाइड दिखाई देगा, कुछ मैनुअल्स गाइड्स होते हैं ये, इसे साइड में रख देते हैं। तो ये रहा गाइज अंदर की डिटेल्स। हमें लेफ्ट साइड में कुछ इस तरीके से कैमरा का चार्जर देखने के लिए मिलेगा। ये है चार्जर केबल। तो गाइज, इसे हम साइड में रख लेते हैं। इसके बाद ये रही बैटरी, जो हमें कैमरा में इंसर्ट करनी पड़ेगी गाइज अनबॉक्स करने के बाद। इसे भी हम थोड़ी देर के लिए साइड में रख देते हैं। ये कुछ वारंटी कार्ड्स होते हैं गाइज। ये कैमरा मैंने गाइज डुअल लेंस के साथ लिया है, जो कि 1855 की आती है और 5500 की। तो हम फर्स्ट लेंस देख लेते हैं गाइज। ये रही लेंस, जो कि 1855 की है। कुछ इस तरीके से आती है, यहां मेंशन किया गया है 1855 की लेंस। इसे हम साइड में रख लेते हैं गाइस, और अब अनबॉक्स करते हैं 5500 की लेंस, जो कि बड़ी लेंस होती है थोड़ी। तो गाइज, ये रही 5500 की लेंस, जो कि हमें ज़्यादातर फोटोग्राफी के लिए काम आती है और आउटडोर के लिए, वीडियो के लिए भी काम आती है। और ये जो लेंस है 1855 की, ये वीडियो के लिए काम आती है और नज़दीक के फोटोग्राफी के लिए गाइज। तो हम ये दोनों लेंस साइड में रख लेते हैं और कैमरा देख लेते हैं। तो ये रहा गाइज हमारा कैमरा। तो ये रहा गाइज हमारा कैमरा। ये कुछ सेफ्टी बेल्ट के साथ नहीं आता है, पर मैंने ऑफलाइन मार्केट में जब अनबॉक्स किया था, तो मैंने वहीं से मतलब अटैच करके ले लिया था सेफ्टी बेल्ट, जो कि अच्छा होता है। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप भी सेफ्टी बेल्ट हमेशा अटैच करके रखना अपने कैमरा के लिए। तो गाइज, कैमरा कुछ इस तरीके से दिखाई देगा आपको ओपन करते ही। लुक तो बहुत ही बढ़िया है। ये यहाँ कुछ फीचर्स होते हैं गाइस, जो हमें फोटोग्राफी के लिए काम आते हैं। इसमें नाइट मोड होता है, पोर्ट्रेट मोड होता है, उसके बाद लैंडस्केप मोड, ऐसे बहुत से फीचर्स आपको यहाँ देखने के लिए मिलेंगे। उसके बाद वीडियोग्राफी के लिए भी ये वीडियो फीचर्स भी होता है। तो गाइस, हमें इसे ऑन करने के लिए पहले इसमें बैटरी इंसर्ट करनी होगी। तो बैटरी हमें यहाँ से इंसर्ट करनी होती है, इसे नीचे प्रेस करना पड़ता है, तो यहाँ हमें बैटरी इंसर्ट करनी पड़ती है। तो फर्स्ट मैं बैटरी ले लेता हूँ, जो कि ये रही। हमें बैटरी कुछ इस तरीके से इंसर्ट करनी होती है। इसे नीचे प्रेस करने के बाद बैटरी का ये हिस्सा हमें अंदर प्रेस करना होता है। तो इस तरीके से कुछ इंसर्ट होती है बैटरी, और अब कैमरा होगा ऑन। तो ये रहा गाइस। ये कुछ मैंने मोड चेंज किए थे, उसकी डिटेल्स दे रहा है मुझे यहाँ पे, जो कि हर एक मोड की अलग अलग डिटेल्स होती है। तो मैं यहाँ मोड चेंज करके बताता हूँ आपको।
कुछ इस तरीके से गाइज, ये मैनुअल मोड पे है अभी, तो यहाँ पे हमें सारी डिटेल्स आएंगी। तो गाइज इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ, तो ये अभी फिलहाल अनबॉक्सिंग की वीडियो थी। तो अगर आपको ये अलग से वीडियो चाहिए फोटोग्राफी के लिए, इसके ऑल फीचर्स के डीप वीडियोस चाहिए, तो मुझे आप नीचे कमेंट्स कर सकते हो। तो गाइज हमें ऊपर के साइड में बटन दिखाई देते हैं, नीचे के साइड में देखा जाए तो हमें ट्राइपॉड अटैच करने के लिए कोई स्लॉट दिया गया है। राइट साइड में देखा जाए तो कुछ भी नहीं है दोस्तों। लेफ्ट साइड में देखा जाए तो यहाँ हमें HDMI पोर्ट दिखाई देता है, USB पोर्ट, और यहाँ ऑडियो केबल अटैच करने के लिए पोर्ट दिखाई देगा। उसके बाद ऊपर के साइड में देखा जाए तो गाइज ये फ्लैश होता है, ये फ्लैश यहाँ प्रेस करने के बाद ऐसे ऊपर आता है, तो फ्लैश भी दिखा देता हूँ गाइज। तो ये फ्लैश है। तो मैं आपको अब ये तो होगी कैमरे की डिटेल्स, अब मैं आपको यहाँ लेंस अटैच करके बताता हूँ। तो लेंस अटैच करने के लिए हमें गाइज ये ओपन करना होता है, ये कवर ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, और उसके बाद मैं ये 18-55 की लेंस लेता हूँ गाइज। तो हमें पीछे से यहाँ पे मतलब ये कवर हटाना पड़ेगा, तो यहाँ से मैंने कवर हटा लिया है, और यहाँ ये कैमरा भी ले लिया है। और गाइज हमें एक बात का ध्यान रखना है, ये जो वाइट मार्क होता है, ये वाइट मार्क दिखाई दे रहा है आपको, ये वाइट मार्क, उसके बाद कैमरा के ऊपर भी ये वाइट मार्क दिखाई देगा, हमें ये एक साथ लगाने पड़ते हैं। एक साथ लगाने के बाद हमें राइट साइड में थोड़ा सा घुमाना पड़ता है, तो घुमाने के बाद हमें कुछ आवाज़ आएगी और उसके बाद लेंस अटैच हो जाएगी। उसके बाद ये सामने का कवर हम ओपन कर लेते हैं, ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके से हमारा कैमरा दिखाई देगा। तो ये रहा गाइस अटैच करने के बाद, मैं इसे ऑन कर लेता हूँ, तो ये रहा, तो ये कुछ इस तरीके से ऑन होगा गाइस। तो गाइस पिक क्लिक करते वक्त हमारी लेंस कुछ इस तरीके से ऑटो फोकस करेगी। तो गाइज आज की वीडियो में बस इतनी ही डिटेल थी। अगर आपको फोटोग्राफी के लिए डिटेल चाहिए और इसके कुल फीचर्स के लिए डिटेल चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हो। गाइज मैंने ये ऑफलाइन मार्केट से परचेस किया है, तो मैंने ये 43K में परचेस किया है। तो अगर आप ऑनलाइन परचेस करते हो तो हो सकता है कुछ प्राइस में डिफरेंस आ जाए। तो इसमें ड्यूल लेंस के साथ भी आता है गाइज, और सिंगल लेंस के साथ भी। तो ये मेरा ड्यूल लेंस के साथ है 43K में। तो गाइज अगर आप सिंगल लेंस के साथ लेते हो कैमरा, जो कि 18-55 की लेंस के साथ आता है, तो आपको तकरीबन 8 या 9 हज़ार तक का डिफरेंस हो सकता है। आपको ये 32K में पड़ सकता है, और डुअल लेंस के साथ मुझे ये 43K में पड़ा है। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, कुछ डिटेल्स रह गई होगी तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स कर सकते हो, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर डिटेल दे दूंगा। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।